उसके अंदर वह सुशील को मकान समेत उठा करके ले गया है। हे बांजा, मेरी क्या ताकत है जो मैं अंजनी पुत्र हनुमान महाबली को रोक सकता हूँ? तब उसी समय दशकंदर कहता है, हे मामाश्री, ये तो जाकर के हनुमान को रोकिए, नहीं मेरे हाथ से मरने के लिए तुम तैयार हो जाइए। तब कालनेमी मन के अंदर विचार करता है, इस पापी का हाथ से मरूंगा तो नरक लोक के अंदर जाऊंगा, और श्री राम का सेवक हनुमान के हाथ से मरूंगा तो स्वर्ग लोक के अंदर जाऊंगा। मन में विचार करता है, हे भांजा दशकंदर, अवश्य जाऊंगा और भयानक वन के अंदर जतन बनाऊंगा और प्रयास करूंगा बजरंग को रोकने का। ये सुनने के पश्चात दशकंदर वापस चला जाता है। कालनेमी भयानक वन के अंदर जाकर के अति सुंदर एक माया से कुटिया बनाता है, अपना वेश पलटता है, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाता है, हाथों के अंदर खुड़ताल लेता है और जय श्री राम की धुनें निकालना चालू कर देता है। आकाश मार्ग से चलता हुआ अंजनी पुत्र हनुमान चलता चलता उस कुटिया के समीप आता है। तब मन के अंदर विचार करता है कि मुझे प्यास भी सता रही है, मैं इस कुटिया के ऊपर जाऊंगा। ये राम का बहुत बड़ा परम भक्त है जो आधी रात के अंदर भी श्री राम का नाम ही रट रहा है। कुछ पल इसके कुटिया के ऊपर विश्राम करूंगा और जल की घूंट पी करके प्यास मिटा करके मैं द्रोणगिरी पर्वत का ध्यान लगाऊंगा। ऐसा विचार करने के पश्चात हनुमान जी आकाश मार्ग से उस कुटिया के ऊपर आता है और आता ही कालनेमी कहता है, आओ बजरंग आओ, आपका मान और सम्मान है। तब उसी समय बजरंग भगवान मन के अंदर विचार करता है, बिगर नाम बताया, आप मेरा नाम को कैसे जानते हो, आप मेरे को किस प्रकार से पहचाना? जब कालनेमी कपटी कहता है, हनुमान मैं भी राम भक्त हूं, ये राम की कृपा है, ये राम की कृपा है। हनुमान रामादल के अंदर मेघनाथ का बाण से लक्ष्मण की शक्ति लगी है और शक्ति लगने के पश्चात तुम द्रोणगिरी पर्वत के अंदर संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे हो। ये बात सुनकर गए हनुमान के विश्वास आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र का परम भक्त मैं हूँ, ये तो मेरे से बढ़कर के भक्त मिला जो सारी बीती हुई कहानी मेरे को सारा सुना दिया है। तब हनुमान कहता है कि हे महात्मा, हे राम भक्त, मेरे को प्यास सता रही है, मैं पानी पीऊंगा। तब एक कालनेमी पापी हनुमान को आने से पहले तलाई के अंदर जहर मिलाता है। मिलाने के पश्चात कहता है कि यहाँ पर एक तलाई है, हनुमान जी तुम उसके अंदर स्नान करके आओ और जल पी करके वापस मेरे पास में आ जाओ। ये सुनने के पश्चात हनुमान कहता है, अवश्य ऐसा ही होगा। हनुमान जी जाकर के तलाई के अंदर स्नान करता है। एक मगरी चल करके आती है और आती आती हनुमान जी की पिंडी को पकड़े लेती है। पकड़ने के पश्चात हनुमान पीछे की तरफ घूम कर देखता है तो मगरी नजर आती है। आने के पश्चात हनुमान पकड़ करके दो चीर बना करके और तलाई के किनारे के ऊपर फेंक देता है। फेंकने के पश्चात स्त्री रूप के अंदर प्रकट होती है। हनुमान कहता है, आप कौन हो, ये क्या परमात्मा की माया है? तब कहते कि मैं इंद्र की अप्सरा, मेरे को श्राप लगा हुआ था, मैं आपका दिन का इंतजार कर रहा था कि एक समय राम का छोटा भाई लक्ष्मण के शक्ति लगेगी और हनुमान जी द्रोणगिरी पर बच जाएगा और इस तलाई के अंदर स्नान करेगा और उसके पैर छूने से तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा। ये प्रभु हनुमान जी, मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ, पर इस तलाई के अंदर तुम जल मत पीना, ये कपटी रावण का मामा कालनेमी का जाल है। तब खड़ा होकर के हनुमान सुनता है और वह अप्सरा तलाई के बारे में बताती तो क्या कह रही थी, किस प्रकार से हनुमान जी सुन रहा था। ये रे अमरतम जेर मिलायो रे को जायो सत्यानाश, को जायो सत्यानाश।
लागी सुनी वो मीठी पानी और तलाई में जर मिलायो मत ना पीजे तलाई को तू सुन तो दाजे पानी और रावण को मामो काल ने मी कर दीनो सुन वो खेता पानी वा खोल र बात बताई रे टूटो बिन काम या तो और तलाई में जर मिलो ते मेरा दिल को कमल की लादे और यात जोड़ करो विनती नैया के टेलो देख ले कह दे मेरे यतनो ने बने माये रे ते रामूर चरण को दास बता दो ये है का और खड़ी अपसरा हनुमान का चरणा में मातो सुन दी नीची टेक और तेक देक दे पस यसना वो मौका को बम बेहक मेरे यतनों ने मने मावो